हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। मैं भी मस्त ही हूँ, बट सीरियसली बता रही हूँ, तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही है। क्या करूँ, मेडिसिन वगैरह सारे चीज़ों को करा करा के मैं पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल से परेशान हो गई हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, मैं मतलब बेस्ट एंड बेस्ट डॉक्टर के पास मेरा जाना आना हो रहा है। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं डीपली अपना चेकअप करवा लूँ, क्या है नहीं है करके। और बाकी जो मुझे सिम्टम है अपने अंदर, वो तो मुझे पता ही है, बट क्या कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ट्रीटमेंट ही मेरा सल्यूशन बना हुआ है, इस वजह से दवा वगैरह कराने के लिए कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ हो रहा है। और इन दिनों घर का ख्याल मैं अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ, बच्चों का भी मैं ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं, हस्बैंड और बेटी दोनों ये लोग मिल कर के अपना जैसा तैसे करके, पापा बेटी मिल के अपना रूटीन को कंटिन्यू कर दे रहे हैं मेरा, जैसे घर को संभालना, खाना बनाना, ये सब सारी चीज़ों को। और अभी भी देख सकते हैं कि बेटी लगी हुई है खाना बनाने के लिए इधर। और आज है सैटरडे, तो ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको भी अपना स्टडी को देखना होता है। तो जैसे एक होता है कि जैसे मैं कर लेती हूँ, उस ढंग से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा सीधे सादे खाने बना दो, तो बेटा जो हो पा रहा पॉसिबल। तो ये आज खिचड़ी बना रही है, साथ में चोखा बनाएगी और मॉर्निंग में रोटी भुजिया, ये सब सारी चीज़ों को बनाई है। उसमें आलू बॉईल होने के लिए रखी है, चोखा बनाएगी। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग है, 12 बजने वाले हैं और मेरा तो 12 बजा हुआ है कब से। तो बेटा क्या बना रही हो? खिचड़ी बना रही हूँ। क्या बनाती जल्दी ये खिचड़ी बना रही है बोल रही है। चलिए जो है, दवा खाने का हो जाता है कि चलिए तो मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेना है तो खा पी के मैं अपना ले लेती हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखें कि सीजन इफेक्ट बहुत ज़्यादा अभी हो जा रहा है, फीवर ये सब। और मुझे फीवर के साथ साथ कुछ सिम्टम भी है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ठीक होने में। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर ठीक होंगी। और मैं उन फ्रेंड्स को सॉरी बोलना चाह रही हूँ, अगर कोई इस दौरान छूट जा रहे हैं जिनका वीडियो मैं नहीं देख पाती हूँ, तो उन लोगों को मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि अभी सबका वीडियो देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। बेड में लेटे लेटे जितना हो जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि देखूँ और रिप्लाई भी कर दूँ, उनको कमेंट करूँ, तो मुझसे रहा भी नहीं जाता है। और मैं उनका वीडियोस देखती हूँ, उनको कमेंट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं डेली का अपडेट अभी नहीं दे पा रही हूँ। तो चलिए, बेटी फिर खाना बना रही है और टाइम अभी करीबन 5 मिनट बाकी है, 12 बजने वाले हैं। और जब तक खाना बन जाता है फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि मेरी बेटी आज खाना वगैरह ये सब बना रही है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो यही हेल्प करने में लगी हुई है। और खाने में आज ये खिचड़ी बना के, ये देख सकते हैं कि बन चुका है खिचड़ी, मेरा बन के रेडी है। और खिचड़ी के साथ रहेगा आलू का चोखा, और जिसको अचार वगैरह खाना है वो लोग अचार वगैरह के साथ खा लेंगे। आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो मेरा खाना पीना हो चुका है, खिचड़ी चोखा ये सब मैंने आज खाया है, और मेडिसिन वगैरह भी कंटिन्यू जो भी करने का था मेरा मैंने कर लिया है। और दीदी का ट्यूशन है ना, उठा दो दीदी को। किरण उठो बेटा, टाइम हो गया है, उठो। तो बेटी का है ट्यूशन, वो ट्यूशन जाएगी 3 बजे। और इधर आ चुका है राशन मेरा, तो हस्बैंड जी को ड्यूटी लगा दिया है मैंने यहाँ पे, ये देख सकते हैं, क्योंकि रोज मैं करके देती हूँ, अभी ये लगे हैं मेरे सेवा में, तो यहाँ पे राशन आया है मेरा। और इन्होंने कहा है कि मैं कर देता हूँ, और मुझसे हो भी नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वीकनेस की वजह से क्या चलते फिरते मुझे एक दोलन सा शरीर में फील हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ करके, ये लगे हुए ये देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रोसरीज का जो सामान मैंने ऑर्डर करके रखा था वो फाइनली ये देख सकते हैं कि पहुंच गया है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस तरीके से बोरी में पड़े पड़े रहेंगे सामान तो मेरे ख़राब हो जाते, तो ये लग चुके थे
चीज़ों को बाहर करके और सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को इन्होंने बेड पे निकाला है, रखा है और ये खुद से लग गए। हालांकि जींस का हाथ का किया हुआ हम लेडीजों को कहाँ पसंद आता है, लेकिन समय संजोग से जो काम आ जाए तो काफ़ी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि जब छोटी छोटी चीज़ों का हेल्प हमें मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बता दूं आपको कि बखूबी अपने कामों को कर लेते हैं घर वाले, ऐसा नहीं है। और हम मुझे लगता है कि 75% तक का काम ही बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, हालांकि अभी तक तबीयत ख़राब है इस वजह से। और मेरी जो वीडियो है आज का यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।